सो बिल्कुल ऐसा मत बनो। और मैं यही कहूँगा, यही कहना चाहूंगा, एसे टेलीकॉम ज्वाइन करोगे ना, अगर जीवन में एसएमडी नहीं छूना तो चौथे दिन में लाइव सीपीयू लगा के बैठोगे और थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करोगे और हर दिन सीपीयू मेमसी का काम करोगे। आपकी हैंड स्किल एक महीने के अंदर इतनी जबरदस्त बनवा दूंगा और उसके साथ सर्किट का डाटा, क्योंकि 5G का अपडेट मैं यहाँ से जाने के 3 महीने के बाद आपको अपने ऑनलाइन सेक्शन में दूंगा, जो मैंने एप्लीकेशन बना के रखी है जिसमें S20+ और 5G सीपीयू पावर सबका डाटा ऑलरेडी स्टूडेंट के लिए बना के रखा है। थ्योरी के लिए आपको कभी भी वापस आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए वापस आने की जरूरत है, वो भी हर महीने। आप 12 बार आ सकते हैं हर साल, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, लाइफ टाइम आपको अपॉर्चुनिटी है। हर महीने 2 दिन के लिए यहाँ पर क्लासेस हैं, अपने एक को अपने फल्टी सेट उठा के लाओ और यहाँ बैठो उसको समझो। और दोस्तों उसके अलावा हम एंड्रॉयड के साथ आईफोन का कोर्स फ्री देते हैं, जो कि 2 साल की वैलिडिटी का होता है, जिसमें 500+ वीडियो और iPhone 6 से लेकर iPhone 14 Pro तक मैच तक आपको मिलेगा, जो IC लेवल के अलावा सर्किट लेवल भी होता है, जो आईसी लेवल के अलावा सर्किट लेवल होगा और जिसके अंदर आईफोन 6 के अंदर 35 चैप्टर टोटल होंगे। दोस्तों इसमें सर्किट से कहीं ज़्यादा मैंने आईसीओ को एक्सप्लेन किया है। और अगर आप ये कोर्स अटेंड करते हैं हमारे एंड्रॉइड के 3 महीने के बाद, तब तक आपकी हैंड स्किल, सर्किट लेवल सब कुछ इतना बेहतर हो जाएगा कि आपसे आईफोन नैंड प्रोग्रामिंग हो गई, I2C हो गया, पैनिक रिपो, री स्टार्ट, ये सारे फॉल्ट आप नॉर्मल ही तरीके से बना लेंगे, प्लस आप अपने CPU बनाना भी चालू कर देंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और दोस्तों ये सब सिर्फ सस्ती फीस में नहीं है, हमारी फीस में रहना, खाना, वर्किंग बोर्ड, आईफोन एंड्रॉयड का पूरा कोर्स और 5G अपडेटेड पूरा कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और आपको सब हमें कॉल करके हमें एडमिशन लेना है और या तो हमें अगले महीने के लिए बुक करना है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आपको सस्ती फीस के चक्कर में या कोई सुभान या लालच के चक्कर में अपनी फीस कम करके या कोई मल्टीमीटर आपको गिफ्ट देकर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहते हैं और वो नॉलेज केवल मोबाइल का होगा। इसलिए हमारी फीस सिर्फ एक है, उसके अंदर कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है। और उसके अलावा आपको हमारा एंड्रॉइड का कोर्स प्लस हमारा 5G अपडेटेड कोर्स भी फ्री मिलेगा, जो कि यहाँ से जाने के बाद में तरुण ठाट में नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी पढ़ा है। पहले से 3 महीने तक आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और 3 महीने तक आप तैयार हो जाते हैं दुकान का काम करने के लिए, उसके बाद आप वो ये कोर्स, दोनों कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आप हर महीने हमारे पास बैकअप में भी आ सकते हैं। जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कहीं क्लासेस चल रही होती है तो या तो पहले दिन दिखा देते हैं या तो दूसरे दिन दिखा देते हैं, या तो कभी कभी बीच में कोई वीडियो बना दिया या आखिरी में, या ज़्यादातर उनके सर्टिफिकेट के वीडियो भी नहीं मिल पाते हैं। पर ऐसा टेलीकॉम में हमेशा आपको डे बाय डे के वीडियो मिलेंगे, डे बाय डे के लर्निंग वीडियो मिलेंगे। फेसबुक में और यूट्यूब के अंदर हर स्टूडेंट के एक लाइव रिव्यू रहेगा, जिसमें बच्चे ने आज क्या सीखा वो खुद एक्सप्लेन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, कोई भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट में एंड्रॉयड में कभी भी कोई स्टूडेंट को लाइव CPU नहीं लगवा सकता, हम लगवाते हैं। और आपको देखना है तो आप फेसबुक में जाके और यूट्यूब में इसे टेलीकॉम में जाके उसको देख सकते हैं। और जो हमारे आज के बाद हमारे हर एक दिन के आप रात में लाइव देखेंगे तो आपको हर एक या दो बच्चे आपको लाइव CPU लगाते हुए मिलेंगे, और वो जिन्होंने आज तक कभी IC नहीं लगाई थी वो CPU लगा रहे हैं, वो भी लाइव, वो भी फेसबुक में। और हम इस बात से नहीं डरते हैं कि अगर वो नहीं लगा पाया तो कहीं हमारी इज्जत ना कम हो जाए, क्योंकि इस बार हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो लगाएगा और आपको मज़ा आएगा देखने में, और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रहूंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपके उसको एज अ एक्सपीरियंस आपको मैं समझा सकता हूँ कि क्या क्या आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमें कॉल करते हैं वो सिर्फ फीस देखते हैं, और जब कम फीस के चक्कर में वो दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाते हैं तो उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई सर दिन भर थ्योरी थ्योरी चल रही है, 5 घंटे 6 घंटे थ्योरी पढ़ाते हैं और 1 घंटा एक जियो के मोबाइल में पता नहीं IC उसको आते रहते हैं और फिर घर भेज देते हैं। समझ में नहीं आता कि हम रिपेयरिंग सीख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब देख रहे हैं सर का, वहां जाके भी TV ही देखना पड़ता है सर, इतनी दूर बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे कानों तक आती हैं स्टूडेंट के, सो मैं सोचा कि वीडियो बनाऊं। सो सबसे पहले अगर आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चुन रहे हैं तो सबसे पहले सर आप उसका है ना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस देखिए, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट वो पढ़ा चुके हैं, हर महीने वो कोई ऐसे तो नहीं कि किसी 1 महीने 2 महीने उनकी क्लासेस ही बंद रहे, तो आप ये समझो कि जब उनके और स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं और जब उनकी क्लासेस ही ऑफ चल रही हैं, तो क्योंकि उनका फीडबैक नहीं है। देखो एक ऐसे टेलीकॉम में क्या होता है ना, इतने स्टूडेंट पढ़ाने के बाद में अब स्टूडेंट से ही हमें स्टूडेंट मिलते हैं, तो एक स्टूडेंट ही अपना एक फीडबैक देता है तब जाके दूसरा स्टूडेंट आता है, तो कई कॉलिंग से भी ज़्यादा हद तक हमारी सीट से भी स्टूडेंट से ही बुक हो जाती है। बट अगर आप देखो कि किसी ने अगर वाकई में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ाए हैं और फिर भी वो खाली बैठा हुआ, तो समझो कि उसको स्टूडेंट का फीडबैक भी नहीं मिल रहा है।
देखो दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फीस बिल्कुल नहीं देखनी है, क्योंकि दोस्तों कम फीस के चक्कर में आप पूरा अपना वो पैसा बर्बाद कर लोगे और डीमोटिवेट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि भाई जब ये नहीं पढ़ा पाए तो कौन और पढ़ा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, जो दुकान जाते हैं आज लो फीस के चक्कर में, सिर्फ थ्योरी व्योरी सीख के आ जाते हैं, और जब वो सीपीयू करने बैठते हैं, एक रीस्टार्ट सेट आता है तो उसको जब निकाल के लगाते हैं तो वो भी डेड हो जाता है। तो किस तरीके की स्किल है आपकी? अगर आप दुकान जा रहे हो तो अपना नुकसान करवाने जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्किल को प्रोफेशनल तरीके से इंप्रूव करना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से दुकान खोलकर एक बिजनेस कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो और टाइम पास में बैठे हो तो ठीक है, कोई नहीं है, दो मोबाइल बंद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर के मोबाइल एक प्रैक्टिस का जरिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ही लोगों की वजह से बदनाम है ये पूरी इंडस्ट्री, जो क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि अरे चलो सीपीयू रिवॉल्व कर लेंगे, क्या है, डैडी फोन ही तो है। अगर ये सोच रखते हो ना, और ये सोच अगर आपके टीचर की है, तो ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि अगर वो डैड है ना, तो वो बनने के 99% चांसेस पे है, पर अगर आप उसको गलत तरीके से प्रैक्टिस के लेवल पे आप उसको काम करोगे ना, तो वो 99% ना बनने के चांस पे आ जाएगा। तो आप ये समझिए, किसी भी भाई किसी बंदे का बेचारे का सेट है, वो कितनी मेहनत से अपना पैसा खर्च करके सेट को खरीदता है, फिर डेड होता है, और ये सोच के कि चलो आप बनाएंगे, आपके पास लाता है और आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सबसे गलत है और ये बिल्कुल ना करो, मैं यही कहूँगा। प्रैक्टिस ज़्यादातर मैंने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर यही कहते हैं कि भाई जो डेड सेट आते हैं उन पर प्रैक्टिस करो। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस का एक अलग तरीका होता है, और वो भी एक वेल एक्सपीरियंस टीचर ही समझा पाएगा। क्योंकि अगर एक नया टेक्नीशियन टीचर बन जाएगा, तो ऑब्वियस है उसको काम करने का तो पता है कि मुझे कैसे आईसी निकालना है, मुझे सर्किट को कैसे पढ़ना है, पर काम करवाने का तरीका का एक्सपीरियंस उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक खुद 3-4 साल कम से कम हज़ारों, क्योंकि आज की डेट में मैं देखूँ तो हर कोई तीसरा, मैंने 20,000 पढ़ा दिए, मैंने 25,000 पढ़ा दिए। अगर आप रियलिटी में देखने जाओगे ना, तो उनकी इतनी क्लासेस भी नहीं लगी हैं जितने उन्हें कहते हैं 20,000। तो दोस्तों, ये जो फेक डाटा प्रोड्यूस करना, फेक नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोड्यूस करना, और फेक मतलब अपने आप को हमेशा सस्ता बताना कि देखो मैं तो सबसे सस्ता हूँ और मैं बहुत आपको दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स दे सकता हूँ, तो आप ये समझो कि वो बिल्कुल स्टेशन के बाहर बैठे उन लोगों के जैसे हैं जो ओप्पो वीवो का चार्जर बेच रहे हैं, और जबकि ओप्पो वीवो उन्हें चार्जर बनाते ही नहीं है, पावर बैंक की बात करें। तो आप भी जब जाते हो मोबाइल तो अच्छे ब्रांड का खरीदते हो, तो वहाँ सस्ता क्यों नहीं खरीद लेते, क्लोन खरीद लो। आईफोन क्यों खरीद कर बैठे हो, आईफोन का 10,000 का क्लोन खरीद लो आपके गफाड़ मार्केट से। तो आप ये बात समझो, जब आप अपने पहनने की चीज़ों में, अपने यूज़ करने की चीज़ों में सस्ता आइटम नहीं खरीदते हो, तो एजुकेशन में सस्ता क्यों ढूंढते हो? एजुकेशन में सस्ता ढूंढना एक खुदकुशी के जैसे है, क्योंकि अगर एजुकेशन ही सही नहीं मिली है तो आप कभी जीवन में सफल हो ही नहीं पाओगे। माँ बाप सिर्फ जिंदगी देते हैं, पर गुरु, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, और जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है। दोस्तों प्लीज़ इस बात को समझे, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर बहुत ज़्यादा फीस है, हमें कम फीस, और जब कम वही कम फीस में जाकर जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में कॉल करते हैं कि सर मैं आना है, हम तो लुटे गए, ये वो, और उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर कभी नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कम फीस वाले के पास जा रहे हो ना, तो गारंटी मांगो उनसे। फीस के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा, टीम वर्क देखना है कि उन टीम में जो भी टीचर हैं वो कहीं बदल तो नहीं रहे हैं बार बार। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि ईएमसी के टीचर बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर के टीचर बदल रहे हैं, तो ये समझो कि वो टीम ही हिली हुई है, और वहाँ पर आपको नए नए टीचर मिलेंगे, तो पता चला किसी तीसरे स्टूडेंट को बिठा के टीचर बना दिया, तो वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा जो एक अच्छा टीचर दे पाएगा। देखो दोस्तों, एक कॉमर्स होता है ना, या मैं देखो इंजीनियरिंग की बात तो आपको समझ में नहीं आएगी, बट कॉमर्स में आप समझ जाएंगे। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता होगा, कोई भी ले लो एक, तो वो एक बीए के इंस्टीट्यूट में भी एक क्या 5,000 रुपये तनख्वाह वाला एक टीचर पढ़ा रहा है, और वो एक आईआईटी में या एक बड़े लेवल के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में 5,00,000 रुपये की फ़ीस लेकर एक बंदा पढ़ा रहा है। तो आप समझो, दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही एक काम पढ़ा रहे हैं, पर उसके पढ़ाने का तरीका एकदम स्टैंड लेवल होगा। वो आपको वो बेसिक, वो एडवांस को बेसिक बता बोलता होगा, और यहाँ पर यहाँ एडवांस, ये जो बेसिक है ना, उस ये बेसिक ही उसके लिए एडवांस होगा। सो ये आपको समझना है। आपको मेरी बात समझ में आए तो आई होप कि आप समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। जो लुभावने ऑफर दें आपसे, जो आपको तरुण फीस कम कर दें, जो आपकी हर बात पे हाँ हाँ मिलाएं, यस यस करें, आपको हर बात सिखाने का दावा करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर ऑफ़र अगर आपको मिल रहे हैं, आपको ये, आपको कोर्स के अलावा हर चीज़ों पर आपको समझाया जा रहा है कि हम मल्टीमीटर दे देंगे, हम बैग दे देंगे, हम ये दे देंगे, ये वे, तो ये समझ लो कि भाई ये सिर्फ अपनी चीज़ें बेची जा रही हैं। और अगर
स्टूडेंट को ही क्लाइंट बना लेंगे तो आप समझ लो कि स्टूडेंट को कभी स्टूडेंट नहीं सर बुलाएंगे। तो ये भी आपको समझना होगा कि एक इंस्टीट्यूट, एक दुकान और इंस्टीट्यूट में तो मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दुकान में वो पैटर्न ही नहीं होता सीखने का जो इंस्टीट्यूट में पैटर्न होता है। और सही में बच्चा तो इंस्टीट्यूट में सीख सकता है, क्योंकि अगर दो मोबाइल फ़ोन रिपेयर भी हो जाते हैं तो उसे एंडलेस सर्किट समझ में नहीं आता है। पूरा सर्किट समझने के लिए पूरा सर्किट को ट्रेस करना होता है, जिसके लिए वो ही इंस्टीट्यूट जाता है। पर पता ये चलता है कि बस वो तो टीचर ही कर रहा है सामने बैठकर, हम तो देख रहे हैं बस। तो आई होप कि आप मेरी बातों से रब्ता करें और ये सोचें कि कम फीस के चक्कर में ना पड़े। एसर टेलीकॉम के फीस के अंदर रहना भी है, खाना भी है, वर्किंग बोर्ड भी है, मतलब हर एक वो चीज़। और कभी भी बैकअप की कोई फीस नहीं है, जो भी है ट्रेनिंग की फीस है। बैकअप एक दिल से देते हैं हम लोग, बैकअप एक संबंध के साथ देते हैं और ज़िंदगी भर देते हैं। और ऑब्वियस है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे संबंध रखते हो तो गुरुओं के साथ भी रखोगे। और दोस्तों हम तो आज भी इतने लोगों को दो दो तीन तीन बार बैकअप दे चुके हैं और उसके बाद भी देते हैं। ऐसा हमारे बैकअप में तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी पढ़ाई में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ होता है या कोई किसी ने SMD तक नहीं छुई होती है, वो तक आज CPU MMC पे काम कर रहा है। वो आज MMC चेंज, CPU चेंज, वो आज मदरबोर्ड को बना रहा है, डुअल डेकर कर रहा है, हर तरह के फॉल्ट को वो बना रहा है। बट उसकी एक्सपेक्टेशंस और समय समय पर बढ़ती आती है। और इवन हमारे, हम ये कहेंगे कि 100 में से 40% का रेशो आज इंस्टीट्यूट खोल कर बैठे हुए हैं, और आज बड़े लेवल पे भी हैं और छोटे लेवल पे भी हैं। खैर, एसर टेलीकॉम एक ब्रांड है जो आपको 2015 से सर्विस दे रहा है, और एक रियलिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 2015, 2016, 2017 से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किए थे। इंडिया के अंदर पहला रिव्यू मैंने ही स्टार्ट किया था, और इंडिया के अंदर भी एक मंथ का जो कोर्स होता है ना, वो भी एसर टेलीकॉम ही लेके आया था, क्योंकि एक मंथ कोर्स का कभी कोई पैटर्न ही नहीं था। हमसे पहले जितने भी जो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, और वो इंस्टीट्यूट दो दो तीन तीन महीने पढ़ाने की सोच रखते थे, पर हम जानते थे कि एक महीने के अंदर वो सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, जिससे एक स्टूडेंट अपने फोन को बनाने के लिए सक्षम हो जाए, और उसके बाद धीरे धीरे बैकअप में आके वो अपने आप की ट्रेनिंग को पूरी कर सकता है। सो ये बात आप समझ सकते हैं। और अगर आप ये बात समझते हैं और आपको लगता है कि एसर टेलीकॉम आपको पढ़ाने के लिए एक दुनिया, एक इंडिया की सबसे बड़ी लैब लेकर बैठा हुआ है, एसर टेलीकॉम आपको पढ़ाने के लिए एक बड़ी सोच लेकर बैठा हुआ है, आपको हर एक CPU, आपकी हर एक MMC की गारंटी आपको दे सकता है, और आपको एक अच्छा खाना, एक अच्छा रहना आपको प्रोवाइड करा सकता है, प्लस आपको बैकअप सपोर्ट आपको देता रहेगा, तो भैया आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम को, और हमें कॉल करो, और बिंदास अगले महीने की बैच में आओ, उसके अगले महीने की बैच में बुक करो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप मेरे से जुड़ोगे, एक फैमिली से जुड़ोगे। हमारी वेबसाइट है www.acertelecom.in, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप, अच्छा हाँ, इसके साथ एसर टेलीकॉम आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है। ऑफर, एसर टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को एंड्रॉइड के कोर्स के साथ आईफोन का कोर्स फ्री देता है, वो भी ऑनलाइन, जो मैंने अपना बनाया हुआ है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट में जाके acertelecom.in। और ये जो कोर्स है ये बेसिकली 2 साल के पैटर्न में होने वाला है, जिसके अंदर 500+ वीडियो आईफोन के, आईफोन 6 में टोटल 35 चैप्टर हैं, 7X, 11, 12, 13, 14 और 13-14 तक के इसमें CPU मैंने आपको लाइव बताए हुए हैं, और हर तरीके से ग्लू पेस्ट क्लीन करना सब कुछ क्लियर, मतलब IC लेवल पे तो कहूंगा ही, प्लस सर्किट लेवल पे वो कोर्स बनाया गया है। और ये हम अपने स्टूडेंट को देते हैं 3 महीने के बाद, ताकि 3 महीने की उसकी अच्छी एंड्रॉइड की प्रैक्टिस होने के बाद जब वो IC लेवल पे और सर्किट लेवल पे आ जाए तो वो आईफोन को इजीली समझ ले, नेंड प्रोग्रामिंग कर ले, पैनिक रिपोर्ट, रीस्टार्ट, I2C प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और उसको कहीं पर भी आईफोन जाने की जरूरत नहीं है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट केवल उन बच्चों के लिए जो एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट अगर ये आईफोन का कोर्स परचेस करना है तो उसकी कीमत 7,000 रुपये है, आप इसको वेबसाइट में जाकर परचेस कर सकते हैं। कि आपको फीस, आपको एक्सपीरियंस, आपको गारंटी एंड आपको बैकअप सपोर्ट, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फीस के चक्कर में, कम फीस के चक्कर में जाओगे तो हो सकता है कि जीवन में सिर्फ रोओगे और कुछ नहीं है। कम फीस वाले के साथ यही होता है कि जियो के फ़ोन में काम करवा रहे हैं, या आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो आज ही अपने इंस्टीट्यूट वालों को बोलिए कि नहीं सर मुझे तो एटलीस्ट Note 4 में करवाओ, नहीं सर मुझे तो फ़ोन आप दो, नहीं सर अभी आप ट्रेस मत करो, मुझसे ट्रेस करवाओ, मुझसे CPU तक ट्रेस करवाओ, और नहीं सर जो भी आपने यहाँ पर थ्योरी बताया वो एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ आप बोल सकते हैं अपने टीचर से, क्योंकि यही समय है, नहीं तो 10-15 दिन बीत जाएंगे और आपका खेल खत्म हो जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट मोबाइल ट्रेनिंग एक बिजनेस बन चुका है, और बिजनेस में अभी कम फीस का एक बहुत बड़ा लालच स्टूडेंट को दिया जाता है। कम फीस के चक्कर में स्टूडेंट खींचे चले जाते हैं, उनको लगता है कि 50-60 हज़ार रुपये वाले कोर्स को तो 10,000 में ही पढ़ाया जा रहा है। सो आप ये देखिए कि क्या आपका 10,000 वाला कोर्स, या आपका 20,000 वाला, या 30,000, या 35,000, या जो भी है, आप क्या आपको वो दूसरे दिन में लाइव पावर, तीसरे दिन में लाइव CPU, ये सब करवाने की गारंटी देता है कि मैं आपको पूरा गारंटी के साथ करवा दूंगा, भले ही आपने जीवन में SMD ना छुई हो।
कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो आपको ये सोच के कि आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नहीं नहीं आपको तो पूरा हमें 60, 70, 80, 40 और 50 दिन देना पड़ेगा, आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे, पहले 10 दिन तक तो कॉम्पिटेंट सिखाएंगे, फिर 10 दिन तक रिबोलिंग सिखाएंगे, फिर 10 दिन तक आपको आईसी लगवाएंगे, तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट है और ये आपको ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम वेस्ट और ये पप्पू बनाने वाली बात है। दोस्तों जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कहीं क्लासेस चल रही होती है तो या तो पहले दिन दिखा देते हैं या तो दूसरे दिन दिखा देते हैं या तो कभी कभी बीच में कोई वीडियो बना दिया या आखिरी में, ये ज़्यादातर उनके सर्टिफिकेट के वीडियो भी नहीं मिल पाते हैं। पर एसर टेलीकॉम में हमेशा आपको डे बाय डे के वीडियो मिलेंगे, डे बाय डे के लर्निंग वीडियो मिलेंगे। फेसबुक में और यूट्यूब के अंदर हर स्टूडेंट के एक लाइव रिव्यू रहेगा जिसमें बच्चे ने आज क्या सीखा वो खुद एक्सप्लेन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, कोई भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट में एंड्रॉयड में कभी भी कोई स्टूडेंट को लाइव सीपीयू नहीं लगवा सकता, हम लगवाते हैं। और आपको देखना है तो आप फेसबुक में जाके और यूट्यूब में इसे टेलीकॉम में जाके उसको देख सकते हैं। और जो हमारे आज के बाद हमारे हर एक दिन के आप रात में लाइव देखेंगे तो आपको हर एक या दो बच्चे आपको लाइव सीपीयू लगाते हुए मिलेंगे। और वो जिन्होंने आज तक कभी आईसी नहीं लगाई थी वो सीपीयू लगा रहे हैं, वो भी लाइव, वो भी फेसबुक में। और हम इस बात से नहीं डरते हैं कि अगर वो नहीं लगा पाया तो कहीं हमारी इज्जत ना कम हो जाए, क्योंकि इस बात हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो लगाएगा और आपको मज़ा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच।